हेलो स्टूडेंट्स, ईडियम फ्रेजेस के अंतर्गत ये हम आपको दे रहे हैं, बता देते हैं आपको। पार्ट ये है आपका 12, पार्ट नंबर 12 है। इसके अंतर्गत कुछ हम देखेंगे ईडियम फ्रेजेस। बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं सिनोनिम टोनिम पूरी वो कैप के। चलिए देखेंगे इन मेरी पिन। इन मेरी पिन का अर्थ क्या होगा, इन मेरी पिन का अर्थ क्या होगा ये बताना है। देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही जो होगा वो होगा सी, एम्बैरेस्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज़्यादा हताश हो जाना, निराश होना, राजा उसके लिए एम्बैरेस हो गए थे कहते हैं। ठीक है, एम्बैरेस। एम्बैरेस एक मिस स्पेल्ट का वर्ड है, मिस स्पेल्ट के हम आपको बताएंगे भी, हम आपको बताएंगे। तो एम्बैरेस में आपको क्या करना है, डबल आर है फिलहाल, देख लीजिए वर्ड आ गया है, तो डबल आर है और डबल एस है। एम्बैरेस में क्या होगा, डबल आर आएगा और डबल एस आएगा। ठीक है, एम्बैरेसमेंट पे आ जाए तो मेंट, उसमें जो ई डी हटा के मेंट जोड़ देंगे। तो देखा आपने, इन मेरी पिन का अर्थ होगा हताश हो जाता है, कोई निराश हो जाता है। अगला है टू लीप द पेल, टू लीप द पेल, ये ईडियम का क्या अर्थ होगा। इस ईडियम का मतलब, इसका अर्थ ये है कि टू गेट इन टू डेट, टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम। जैसे लोग आज के समय में ना लोन लेना तो फैशन हो गया है, ठीक, हर व्यक्ति की ईएमआई चल रही है, तो टू वैसे ही है कि टू गेट इनटू डेट, कर्ज में फंसे रहना और आवश्यकता से अधिक, इनकम से अधिक खर्चा करना, इसको कहेंगे टू लीप द पेल। आजकल के लोग क्या है, पीपल ऑफ द प्रेजेंट टाइम आर लीपिंग द पेल। कर्ज में फंसे हुए हैं सब, सबकी ईएमआई चल रही है, ठीक है, तो वही चीज़ है, लीप द पेल हो रहा है, टू गेट इनटू, कि कर्ज में फंसे हैं और इनकम से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट, कौन सी नॉट माने होता है गांठ, गॉर्डियन नॉट को काटना, कौन सी गांठ को काटना, एक ऐसी समस्या जो बहुत कठिन है और जिसको हल करना है, तो इसके लिए शब्द प्रयोग होता है कौन सा, टू कट द गॉर्डियन नॉट, ऐसी समस्या, टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या को हल करने के लिए शब्द प्रयोग होता है टू कट द गॉर्डियन नॉट। ठीक, टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या को हल करना, ये है आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला है टू सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड, 224 नंबर पे क्या होगा, देखिए टू सो द विंड एंड रीप द वर्ल्ड विंड, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें खुद ही अर्थ, कुछ ऐसे इडियम होते हैं ना अपने आप अर्थ दे देते हैं, तो मूर्खता से बात, मतलब हवा को बोना और काटना, क्या जो बवंडर होता है उसको काटना, तो क्या है इसका हो जाएगा टू सफर फ्रॉम वंस फूलिश कंडक्ट, मूर्खतापूर्ण कारणों के कारण कष्ट सहना, ये है अर्थ इसका। ठीक, ये सी है, डी है ऑप्शन इसका नंबर, टू सफर फ्रॉम वंस ओन फूलिंग कंडक्ट, अपने मूर्खतापूर्व कारणों कर्मों के कारण सजा भुगतना, ये समझ ली, डी। नेक्स्ट है टू प्ले द पौसम, टू प्ले द पौसम, ये क्या है, टू प्ले द पौसम का अर्थ है क्या, ये हो जाएगा आपका बी, टू फाइन इग्नोरेंस, किसी ना जान, किसी बात को जानते हुए भी ना जानने का नाटक करना, ठीक है, एक्टिंग करना, टू फाइन इग्नोरेंस एंड प्रिटेंड टू बी स्लीपिंग, या ऐसा बहाना करना कि हम मरे हैं या सोए हुए हैं, ठीक, किसी भी चीज़ का, तो टू प्ले द पौसम, पौसम खेलना, पौसम खेलना का मतलब बहाना करना, किसी भी चीज़ का बहाना करना, जानते हैं तब भी ना जानने का बहाना करना, ठीक है, और अज्ञानी बने रहना, अज्ञानी बने रहना, इसके लिए ऑप्शन क्या आता है, इसके लिए ऑप्शन आपका आता है बी, टू प्ले द, टू प्ले पौसम, टू प्ले पौसम, ऑप्शन बी सही है, टू प्ले पौसम। नेक्स्ट है आपका ए ग्रास विडो, ग्रास विडो कौन सी विडो है, ग्रास विडो कौन सी विडो है, किसको बोलेंगे ए ग्रास विडो को, देखिए ए ग्रास विडो ऐसी यंग विडो भी नहीं है, इलिसिट रिलेशनशिप में नहीं है, ये वर्किंग ओल्ड है, देखिए ऐसी स्त्री जिसका पति हमेशा के लिए उसको छोड़कर चला गया, जीवित है लेकिन छोड़ के चला गया, वो वापस नहीं आएगा, हाँ, अस्थायी रूप से, ठीक है, हुज ए वीमेन हुज हस्बैंड इज टेम्पोरली अवे फ्रॉम हर,
सॉरी अस्थाई स्थाई नहीं अस्थाई रूप से, ऐसा पति ऐसी स्त्री जिसका पति उसको छोड़ के चला गया है अस्थाई रूप से, टेम्प्रोरली लिखा है ठीक है, अस्थाई रूप से छोड़ के चला गया, तो इसे ग्रास वीडियो कहेंगे हैं। तो ग्रास वीडियो तो बहुत आपको दिखेंगी, क्या मतलब कि पति साथ में नहीं रह जिनके रहते हैं, वो बाहर ड्यूटी के लिए काम के लिए गए हैं अस्थाई रूप से, अधिकतर वीमेन आपको मिलेंगी ठीक है, पति दूर रहते हैं ड्यूटी चक्कर में, तो एक ग्रास वीडियो बोलेंगे। ग्रास वीडियो नोट कर लीजिएगा, अस्थाई रूप से पति का बाहर ड्यूटी करना काम करना चले जाना, तो इसको कहेंगे उस स्त्री को बोलेंगे ग्रास वीडियो है। चलिए मेड एज ए मार्च हेयर, मेड एज ए मार्च हेयर तो क्या है, एज मेड एज ए हेयर, जैसे इतना पागल जैसे एक खरगोश होता है ना, घोड़ी होती है, ये मेयर माने घोड़ी, एज मेड इतना पागल जितना घोड़ी होती है बसंत स्प्रिंग बसंत ऋतु में ठीक, तो ये हो जाएगा। किसी की ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, सुखद दिन चल रहे हैं, मस्ती भरे आनंद भरे और प्रसन्नता के संपन्नता के दिन चल रहे हैं, तो उसको कहेंगे हैप्पी एंड पीसफुल डेज, कोई कष्ट नहीं जीवन में, हैप्पी लाइफ है और शांतिपूर्वक लाइफ है, तो शांतिपूर्वक भी है हैप्पी भी है, तो ऐसे डेज को क्या बोलेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हैप्पी एंड पीसफुल डेज, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हेल काइंड डेज ये फॉरेन में यूज़ होता है, किसी की लाइफ में अच्छे समय चल रहा हो, अच्छा टाइम चल रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, हैप्पी हो और उसकी ज़िंदगी में सुख शांति हो, तो हेल काइंड डेज इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है, हेल काइंड डेज लिख भी दे रहे हैं इसलिए समझने के लिए, तो हेल काइंड डेज खुशी से और प्रसन्नता से शांति से बड़े दिन भरे हुए दिन। मदर वेट को कौन सी वेट कहती है, मदर वेट कौन सी वीट होती है, मदर वेट वो वीट होती है जो कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस जनरल बात जो होती है, कॉमन सेंस की बात है कहते हैं ना, तो ऐसी बात जिस जो अंडरस्टूड है और जिसका सेंस कॉमन निकल रहा है ठीक, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहेंगे हम मदर वेट, क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे मदर वेट ठीक है, मदर वेट को बोलेंगे, कॉमन सेंस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए ब्लाइंड डेट कहेंगे मीटिंग विद समवन यू डोंट नो, किसी ऐसे साथ मिलना जिसको आप नहीं जानते हैं, तो इसको कहेंगे ब्लाइंड डेट। अजनबियों के साथ या अजनबी के साथ ऐसी मीटिंग पर जाना, उनसे मिलना, तो उस डेट को कहते हैं ब्लाइंड डेट मीटिंग विद समवन यू डोंट नो सी, कई बार बोल देते हैं आपको याद हो जाए बस, ब्लाइंड डेट मच एडो अबाउट नथिंग, बेचैन होना, मच एडो अबाउट नथिंग, तो इसका एक मतलब होगा बेचैन होना, टू मेक ए फस, ऑप्शन क्या होगा, टू मेक ए फस, शेक्सपियर का एक नॉवेल भी है ये, मच एडो अबाउट नथिंग, टू मेक ए फस, बेचैन होना, घबराना ठीक, ये चीज़ अर्थ होता है सी, मेक ए फस बेचैन होना। सी ऑप्शन है सही। जूडास किस इसका अर्थ क्या होगा, जूडास किस ऐसी किस है जो हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन है, ऐसा स्नेह जो केवल कल्पनाओं में है ठीक, हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन को बोलेंगे जूडास किस, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, टू हैव नो ट्रक विद क्या बोलेंगे, टू हैव नो डीलिंग विद किसी के साथ नो ट्रक विद है, इसका मतलब नो डीलिंग विद होगा, टू हैव नो डीलिंग विद ऑप्शन नंबर डी में है, नो ट्रक विद होना मतलब नो डीलिंग होना। नेक्स्ट देखिए, टू क्लीन द एजियन स्टेबल को साफ करना,
तो क्या करना, एजियन इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे समाज में, टू क्लीन द एजियन स्टेबल, हमारे समाज में टू के एजियन स्टेबल को साफ करने की बहुत आवश्यकता है। क्या मतलब कि पर जो भ्रष्टाचार है, टू पर्ज, पर्ज माना होता है प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना, बिल्कुल शुद्धिकरण करना। क्लीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स अब्यूज, शासन को साफ करने की ज़रूरत है, इसमें जो भी बुराइयाँ हैं हमारे शासन प्रशासन व्यवस्था में क्या कमी है, करप्शन, ये सबसे मेन जड़ है कोई भी योजना करना लागू होना, किसी अव्यवस्था का शुरू होना, व्यवस्था का लागू होना, तो करप्शन है ना समाज में, सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसको क्या, टू क्लीन द एजियन स्टेबल, एजियन स्टेबल को क्लीन करने की ज़रूरत है ताकि समाज अच्छा सा चले, व्यवस्था चले। ये चीज़ थोड़ा मुश्किल भी है जो भ्रष्टाचार को हटाना, तो एजियन स्टेबल भ्रष्टाचार को हटाना शासन से सत्ता से, ठीक। टू फ्लाई इन द ऑन्टमेंट, ये फ्लाई इन द ऑन्टमेंट क्या होगा, इसका है छोटा सा गुस्सा, ऑप्शन सी में है, ए फ्लाई इन द ऑन्टमेंट स्मॉल, थोड़ा सा छोटा सा क्रोध जो नष्ट कर देता है जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी खुशियाँ जीवन की जो नष्ट कर देता है, छोटा सा गुस्सा नाराजगी, इसके लिए आता है ए फ्लाई इन द ऑन्टमेंट, ए फ्लाई इन द ऑन्टमेंट क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका सी, सही सी, ठीक, ए फ्लाई इन द ऑन्टमेंट। चलिए आगे देखिए, ऑफ द डीपेस्ट डाई, डीपेस्ट डाई किसे बोलेंगे, डीपेस्ट डाई सबसे गहरे रंग का, सबसे खराब, एक्सट्रीम टाइप ए ऑप्शन है, ठीक, ऑफ द वर्स्ट एक्सट्रीम टाइप ए होगा, डीपेस्ट डाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डीपेस्ट डाई। देखिए, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट है कि ये टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का क्या अर्थ होगा, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज फेंकना, अपनी हार को स्वीकार करने को बोलते हैं, टू एडमिट डिफीट, टू थ्रो द स्पॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी है, टू थ्रो द स्पॉन्ज क्या मतलब, हार को स्वीकार करना, टू रूल द रूस्ट, 238 का हो जाएगा टू रूल द रूस्ट, ऑप्शन, ऐसा व्यक्ति जो, ये होगा ऑप्शन डी, ग्रुप में स्वयं के डिसीजन लेता है, द टू बी द पर्सन, ऐसा पर्सन हो, व्यक्ति होना जो हु मेक्स ऑल द डिसीजन, जो सारे निर्णय लेता है इन ए ग्रुप, ए ग्रुप में सारे निर्णय लेता है, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है ये टू रूल द रूस्ट, ठीक, घर का मुखिया होना या किसी व्यवस्था या संस्था का को डोमिनेट करना, उसके लिए आएगा टू रूल द रूस्ट। अगला है बैट्स इन द बेलफ्राई, बैट्स इन द बेलफ्राई क्या होना, बैट्स इन द बेलफ्राई आपका सी ए है आपका ऑप्शन, टू बी मैड, पागल होना के लिए प्रयोग होता है बैट्स इन द बेलफ्राई, टू हैव ए जॉइंटिस आई, जॉइंटिस आई रखना, जॉइंटिस आई रखना, जॉइंटिस माने आई रखना, तो जॉइंटिस आई रखना, कैसी आई रखना, ऐसी आई रखना जो भरी हुई है पक्षपात की भावना से। चलिए स्टूडेंट्स, जितने हमने आपको 20 idiom बताए हैं इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक, ये आपका हक का है 221 का, इन मेरी पिन, मेरी पिन क्या होता है, कोई खुशी के मूड में हो उसको कहेंगे इन ए मेरी पिन, लीप द पेल, लीप द पेल का वक्त बताया कि कर्ज में फंसे रहना, इनकम से अधिक खर्च करना, ऑप्शन नंबर आपका है बी, ठीक। 223 देखिए, टू कट द गॉर्डियन नॉट, गॉर्डियन नॉट को काटना इंपॉर्टेंट है, ये किसी कठिन समस्या का हल निकाल लेना, इसको कहते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट, 223 का ऑप्शन है आपका सी, टू सो द विंड एंड रीप द वर्लपूल विंड, इसको होगा ऑप्शन आपका डी, अपने गलत कामों का फल भुगतना, ठीक है, इसको बोलेंगे डी, टू सफ़र फ्रॉम अंस फूलिस, अपने बेवकूफ़ी भरे, गलत नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरे आपके लिए आचरण का, ठीक। अगला है 225, टू प्ले पौसम, पौसम खेलना,
ऐसा कर पौसम खेलना का, सोने का, जगने का, मरने का, ऐसा बहाना करना, किसी जानती हुई चीज़ को लोगों अनजान बनना, उसके लिए कहते हैं प्ले पौसम। पौसम का ऐसा खेल खेलना जो आप जानते हुए भी तब भी नहीं जानते हैं, सोने का बहाना करना, मरने का बहाना। इसको ग्रास वीडो कैसी है, ऐसी वीडो है, ऐसी जो है विधवा है जिसका पति अस्थायी रूप से काम करने के लिए बाहर या गया है कुछ दिन के लिए। माइड ऐसे मार्च हेयर की तरह पागल होना, इसका मतलब जितना पागल होना जितना खरगोश होता है स्प्रिंग सीजन में। सी है हेल काइंड डेज, किसी की ज़िंदगी में सी हैप्पी एंड खुश, अच्छे दिन चल रहे हैं, खुशी के दिन चल रहे हैं, शांति के दिन चल रहे हैं, उसको 228 का सी ऑप्शन हो जाएगा, कहेंगे हेल काइंड डेज। मदर बिट एक्चुअली में होती है कॉमन सेंस, एक सी बात जो बिल्कुल कॉमन हो, 229 का ऑप्शन डी। ब्लाइंड डेट ऐसी डेट है, कैसी डेट है, जो अजनबी लोगों से मिलने जाना, उसको कहते हैं ब्लाइंड डेट, 230 का ऑप्शन सी। मच एडो अबाउट नथिंग, इसका होगा टू मेक ए फस, बेचैन होना, घबराना, ये अर्थ होता है मच एडो अबाउट नथिंग ऑप्शन सी। जूडास किस कैसा होता है, किस 232 का, ये एक बनावटी प्रेम आप समझ लीजिए, ठीक, 232 का सी हो जाएगा। टू हैव नो ट्रक विद मतलब नो रिलेशन, टू 233 का डी हो जाएगा। एजियन स्टेबल को साफ करना, बताया कैसे साफ करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना ताकि व्यवस्था अच्छी हो सके, 234 का ए। ए फ्लाई इन द ऑन्टीमेंट क्या है, एक छोटा सा नाराजगी और छोटा सा गुस्सा किए गए पूरे काम को बर्बाद कर सकता है, इसके लिए कहेंगे ए फ्लाई इन द ऑन्टीमेंट, ऑप्शन सी आएगा। ऑफ द डीपेस्ट डाई, डीपेस्ट डाई का मतलब है ऑफ द वर्स्ट, सबसे खराब, ठीक, ये चीज। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज थ्रो करना, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, टू एडमिट डिफीट, किसी भी हार को स्वीकार करना, हार को स्वीकार करना कहलाता है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज को थ्रो अप कर देना, ठीक। टू रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट कर देना, इसका मतलब घर एक मुखिया होना और अपने हिसाब से घर के सभी सदस्यों को सहमत से या अपनी सहमत से शासन चलाना, ठीक, किसी व्यवस्था को चलाना, ऐसा पर्सन होना जो सारे डिसीजन को मैनेज करता है, खुद लेता है, ठीक, उसके लिए डोमिनेट करता है, टू रूल द रूस्ट कहलाता है। बैट्स इन द बेलफ्राई, पागल होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, लास्ट है, जॉइंडिस आई रखना, जॉइंडिस आई ऐसी आंखें रखना जो पक्षपात से भरी हुई हैं, आपका 240 का ऑप्शन हो जाएगा सी। पक्षपात से भरी हुई आंखें कहलाती हैं जॉइंडिस्ट आई, 240 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर और कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ और ईडियम क्लास फ्रेजेज आपको कवर हम करेंगे, ठीक। तो ये आपका पार्ट 12 था, और अभी हम आपको सिखाते रहेंगे, कुछ अच्छे अच्छे मिलेंगे फिर।